देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1904 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को एक दिन में 1984 संक्रमित मिले थे, यानी 106 दिन बाद फिर दिल्ली में एक दिन में 1900 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट फिर बढ़ा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ने लगा है, यानी अब टेस्ट करने पर ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सोमवार को यहां 2.77% पॉजिटिविटी रेट रहा, यानी हर 100 टेस्ट में से 2.77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़ा भी 11 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 11 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 3.33% थी। हफ्ते भर में 2 गुना हुआ पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले सोमवार यानी 22 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 1.32% था, जो 29 मार्च को बढ़कर 2.77% हो गया है। पिछले एक हफ्ते से हर दिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। 22 मार्च को 1.32%, 23 मार्च को 1.31%, 24 मार्च को 1.52%, 25 मार्च को 1.69%, 26 मार्च को 1.8%, 27 मार्च को 1.7% और 28 मार्च को 2.35% पॉजिटिविटी रेट रहा। 24 घंटे में 6 मौतें, अब तक 11,000 से ज्यादा जाने गईं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में 6 लोगों की जान गई है। अब तक दिल्ली में 11,012 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 8,032 हो गई है। 22 दिसंबर के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 22 दिसंबर को राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 8,735 थी। एक डराने वाली बात ये भी है कि अब रिकवरी रेट घटने लगा है। दिल्ली में रिकवरी रेट घटकर 97.11% हो गया है। इससे पहले रविवार को रिकवरी रेट 97.17% था। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।